वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है लोक सेवा आयोग से कि अब हर साल आयोजित की जाएगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षाएं। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की निकल के सामने आ रही है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कि अब हर साल, जी हाँ अब हर साल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस की परीक्षाएं आयोजित की जाएं जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में यानी कि कल ही के दिन 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक उत्तराखंड पीसीएस मेंस के एग्जाम जो है खत्म हुए हैं। पूरे के पूरे पेपर हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करके रखे हैं मेंस के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त के निकल के सामने आ रही है, आयोग के अध्यक्ष के अनुसार आयोग द्वारा हाल ही में पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन हुआ है और यह बड़ी सफलता पूर्वक इसका आयोजन हुआ है। उक्त पीसीएस परीक्षा 2021 के अंतर्गत शासन से प्राप्त हुए अधियाचन के सापेक्ष 318 रिक्त पदों हेतु हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि 256,935 अभ्यर्थियों के आवेदन यहां पर जो है आए थे। उसके अलावा यहां पे अब जो है आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जी हाँ, आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि अब उत्तराखंड में हर साल पीसीएस की परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसकी शुरुआत इसी साल से की जाएगी, जुलाई के महीने से। जी हाँ, नया पीसीएस का फॉर्म जो है आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, यानी कि जो उत्तराखंड पीसीएस 2023 का जो फर्स्ट स्टेज के लिए जो पेपर आएंगे यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो जो है जुलाई में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने इसके बारे में सूचना जारी की है। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार हाल ही में आपने देखा होगा यहाँ पर जो है मेंस के एग्जाम हुए थे, इसी हेतु आप देख सकते हैं परीक्षा की जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम था आप देख सकते हैं अप्रैल 2022 में हुआ था। इसके आधार पर लगभग 5,636 यानी कि 5,636 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु आयोजित जो है सफल घोषित किया गया था और मुख्य परीक्षा में लगभग 4,115 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसका जो परसेंटाइल है आप देख सकते हैं 73.01 रहा है। इससे पूर्व पीसीएस की जो परीक्षा थी सन 2016 में हुई थी, जिसमें 138 पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा जो है सितंबर 2017 में हुई थी, जहां पर आप देख सकते हैं 1,912 अभ्यर्थियों के सापेक्ष लगभग 1,458 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एक पार्टिसिपेट किया था, यानी कि जो परसेंटाइल है 76% था। इस बार हालांकि ये 3% गिर गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि 5 साल के बाद यहां पर उत्तराखंड में पीसीएस की परीक्षा हुई थी, लेकिन अब जो है पीसीएस की परीक्षा आपको हर साल आयोजित देखने को मिलेगी। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।